देख रहे हैं K2S न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नांदौती उपखंड के ग्राम पंचायत सोप में मंदिर माफी की जमीन के रास्ते पर दबंगों ने किया कब्जा। सूत्रों के मुताबिक यह जमीन मंदिर श्री गोपाल जी की है, जो कि पुजारी व मूर्ति के नाम है। रास्ते के पास अन्य लोगों की जमीन है। दबंगों ने रास्ते की जमीन पर मिट्टी डलवा कर उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन बेखबर। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। इसमें रास्ते में मिलाने की कोशिश की गई है और राष्ट्र में ऊपर तक ये लगभग 38 बीघा के करीब जमीन है, यहाँ के ऊपर तक उन्होंने मिट्टी को डाला है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या प्रशासन जिम्मेदार होगा या ये लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे? इसके लिए आप लोग ही इसमें बताएं क्या है। अरे अच्छा, क्या काम करने गए थे? बता ये कब किसान सम्मान निधि में क्या है? आप आधार कार्ड नोट वेरीफाई बता रहा था, जो घर आ रहा था उसमें कॉल किया था, काम भी जा रहा है। अच्छा, घर घर जाकर आप सेवाएं देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। आप बताइए विक्रम जी, ये जो आम रास्ता इतना चौड़ा है, क्या ये रास्ते पे जो एक साइड मिट्टी डाल के जो कार्य इन्होंने किया है, क्या ये कार्य सही किया है? ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इसको ना मतलब पूरी को मतलब जोत के फिर ना एक खेत, हाँ ऐसा लग रहा है। तो आपको लग रहा है कि इस पर आगे हल भी चला रखे हैं इन्होंने, खेत बीच के बीच रास्ते में जोतने की कोशिश की है, यही लग रहा है? और क्या, आगे हल चलाने के रास्ते में यही मतलब यही तो हुआ? मतलब ये तो काफी चौड़ा रास्ता है, रास्ता यार लग ही रहा है, रास्ता ही तय है ये पूरा, आगे तक पूरा रास्ता है। इसमें गोवर्धन जी की पैदल यात्री खूब जाते थे पहले से, अभी भी जाते हैं। आप देखिए इतना चौड़ा रास्ता है, लेकिन इस पर अतिक्रमण कर लिया, मिट्टी डाल करके इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और रास्ते को रोकने की कोशिश की है। अब इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है या ये लोग खुद जिम्मेदार है, इसके लिए भगवान ही मालिक है। कोटा जिले की ग्राम पंचायत चेटर सरपंच द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मौसमी बीमारी व बारिश को देखते हुए सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 15 दिनों तक चलेगा, ताकि बारिश के मौसम में ग्रामीणों को परेशानी का सामना न करना पड़े। आइए देखते हैं संवाददाता रेखा बामी की रिपोर्ट।